हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। अक्सर ये देखा जा रहा है आज की प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मतलब कि लिंग पर तनाव नहीं बनता है जिससे कि एक सेक्स लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट आता है जो कि इस दिक्कत में बहुत असरदार है, जिसका नाम है विगोर 100 mg टैबलेट। आज हम यही बात करने वाले हैं, विगोर 100 mg टैबलेट का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे काम करती है, कहां कहां पर काम करती है, साथ ही साथ इसकी डोज क्या होनी चाहिए और हमें सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इसका जो कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है वो है सिल्डेनाफिल 100 mg। अब बात करें कि ये काम कैसे करता है। ये जो बेसिकली विगोर 100 mg टैबलेट है, ये एक फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर है जो कि पेनिस पे यानी कि पुरुषों के लिंग पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिलैक्स करेगा, जिसकी वजह से वहां का ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और साथ ही साथ एक प्रॉपर इरेक्शन मिल पाएगा, मतलब कि जो लिंग है पुरुषों का उसको तनाव ठीक से मिल पाएगा। अब बात करें कि इस्तेमाल कहां कहां पर करते हैं, तो बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करने के लिए लिया जाता है इस दवा को, साथ ही साथ ये पुरुषों को एक प्रॉपर तनाव मिल सके, उनके लिंग पर प्रॉपर इरेक्शन मिल सके, उसके लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए कि इसकी डोज क्या रखनी है, हमें कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हो जाते हैं जो कि आगे जाकर दिक्कत कर सकते हैं। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि इसको सेक्स एक्टिविटी से एक घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप इस दवा को ले सकते हैं। और अब बात करते हैं कि सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले इसका लेबल पढ़ लें, ठंडी और सूखी जगह पर रखें, कभी भी सूरज की रोशनी से इसको टच में ना लाएं वरना खराब हो जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है। और जो डॉक्टर आपको डोज बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको लेनी नहीं है। जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको शराब भी नहीं पीनी है, आपको अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना है। साथ ही साथ में बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपको कोई अन्य बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, हृदय से संबंधित, तो उन दिक्कतों में भी आपको उन बीमारियों में भी इस दवा का सेवन नहीं करना है। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में विगोर 100 mg टैबलेट की पूरी जानकारी मिली, आपको समझ आया होगा कि ये काम कैसे करता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या डोज होती है और साथ ही साथ सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।